हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक टीवी के अंदर बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा से देश को खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट विचारधारा से देश को खतरा नहीं है, बल्कि उन लोगों को जरूर खतरा है जो सरमाकारी निज़ाम की गुलामी कर रहे हैं, जो इस देश को सरमाकारों के हाथ में देते जा रहे हैं, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी भी उन सरमाकारों के गुलामों में से भी एक वजीर आजम है, जिन्होंने हाल ही में सारी पब्लिक सेक्टर को, सारी अवामी जायदादों को अंडानी और अंबानी के हाथ में हवाला करने का काम किया। तो आज वजीर आजम को ये भी नहीं मालूम है कि हिंदू दुनिया के अंदर कम्युनिस्टों का क्या योगदान रहा। आप तारीख उठा के देखें, हमने हिटलर जैसी फासिस्ट ताकतों से इस दुनिया को बचाया। स्टालिन ने हिटलर को हराकर साबित कर दिया कि इस दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट अमन के खाइल हैं और कम्युनिस्ट इंसानियत के खाइल हैं। ये बात को दुनिया के अंदर हमने स्टालिन के जरिए साबित किया। और इतना भी नहीं मालूम है कि आज दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की पसंद ममालिक हैं, जिसमें से क्यूबा को आप उठा लीजिए, क्यूबा हेल्थ के अंदर कितना दुनिया के अंदर नाम कमा रहा है, वहाँ तक क्यों जा रहे हैं? क्यूबा नहीं, वियतनाम हो, चाइना हो, या दुनिया के अंदर कोई भी, हाल ही में चिली के अंदर जो कम्युनिस्ट हुकूमत है, जो नौजवानों ने हुकूमत लाया, तो किस तरह से वहाँ की आवाम ने उसको चुना है, तो वही नहीं बल्कि आप वहाँ तक क्यों जा रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर अभी केरला मॉडल को उठा के देखिए, केरला के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, किस तरह से आज कम्युनिस्टों ने वहाँ पर कर दिखाया। तो ये कह देना कि कम्युनिस्ट विचारधारा से यहाँ के देश को खतरा है, ये खतरा देश को नहीं बल्कि सरमाकार निजाम और ये कैपिटलिस्ट जो कंपनीज चला रहे हैं, जिनके एजेंट ये बनकर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनको तो जरूर इस देश के अंदर कम्युनिस्टों से खतरा होगा, क्योंकि हम इस देश के अंदर सोशलिज्म को नाफिज करना चाहते हैं, हम इस स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, हम बना के रहेंगे, और चाहे नरेंद्र मोदी जैसे कई वजीर आजम भी आ जाए, कम्युनिस्टों को कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हम हमारी विचारधारा आगे लेकर ही जाएंगे और आगे लेकर जाकर हम साबित करेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा कोई खतरनाक विचारधारा नहीं है, क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा खतरनाक विचार, हमारी विचारधारा इंसान को इंसानियत सिखाने की विचारधारा है, इंसान को इंसान के हकूक दिलाने की विचारधारा है, मजदूर को हक दिलाने की विचारधारा है। हम यहाँ पर तालीम के लिए लड़ने वाले लोग हैं, रोजगार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हमारी विचारधारा ये है। जो बेघर है उसको घर दिलाना हमारी विचारधारा है, जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना दिलाना हमारी विचारधारा है, जिसके पास तालीम नहीं है उसको तालीम दिलाना हमारी विचारधारा है। अगर ये विचारधारा से अगर देश को खतरा है, तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी के कहने के पीछे ये नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, ये हिंदुस्तान के तरक्की के खिलाफ है, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी के खिलाफ है, हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों के खिलाफ है। ये खुद देश विरोधी विचारधारा रखते हैं, जो इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप हाल ही में देखिए अडानी अंबानी को सारे पब्लिक सेक्टर को हवाले करने का काम किया है, तो आप समझ में आ गया नरेंद्र मोदी किसके एजेंट है, सरमाकारी निज़ाम के एजेंट है, इसके लिए कम्युनिस्टों को गाली देने की कोशिश कर रहे हैं।